कानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मेघालय में रहने वाली त्रिनिति सावो से, जिन्होंने हल्दी की जैविक खेती की और एक खास किस्म की हल्दी उपजा करके तमाम किसानों को एक नई राह दिखाई है। कृषि के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की महिला किसान त्रिनिति सावो से। मेघालय जिला पश्चिम जयंतिया हिल्स की रहने वाली आदिवासी महिला किसान त्रिनिति सावो हल्दी की खेती करती हैं और महिला किसानों के समूह से जैविक हल्दी की खेती करवाती हैं। उनकी इस पहल से महिला किसानों की आय 3 गुना तक बढ़ चुकी है। यही कारण है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। त्रिनिति ने 25 महिला किसानों के साथ मिलकर मुलियह गाँव में स्पाइस बोर्ड की मदद से हल्दी की खेती की शुरुआत की थी। 4 साल के अंदर 800 किसान मिलकर अब लगडोंग किस्म की हल्दी की खेती कर रहे हैं। त्रिनिति के संगठन से 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हल्दी की खेती कर रही हैं। जैविक खेती के विकास में अपने काम के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सावो ने जैविक खेती के तरीकों के माध्यम से हल्दी के शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप को विकसित करने के लिए अपने गांव मुलीह मेघालय में लगभग 800 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। लगडोंग हल्दी की कहानी गरीब महिलाओं के एक समूह की कहानी है, जो खेती के लिए खुद के लिए एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक साथ आती हैं। ये महिलाएं जैविक खेती के तरीकों और पर्यावरण के प्रति समर्पण का पालन करती हैं। हल्दी की लगडोंग किस्म, जो कि सैयों और उसके स्वयं सहायता समूह में महिला किसानों में होती है, उसमें करीमुन का 6 से 7.5% तक होता है, जो कि हल्दी का मुख्य घटक है, जो इसे चमकीले पीले रंग और विशिष्ट पृथ्वी सहित अपने नमकीन गुणों को प्रदान करता है। अधिकांश भारतीय खाना पकाने की नींव रखने वाला तीखा स्वाद, कर्क्यूमिन एक अत्यधिक बेशकीमती औषधीय मसाला है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और साथ ही कैंसर रोधी गुण होते हैं। मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में स्वदेशी रूप से उगाए गए लगडोंग हल्दी को व्यवसायिक रूप से बिकने वाली हल्दी में सोने का मानक माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार लगडोंग हल्दी में कर्क्यूमिन की मात्रा 7% होती है। दवाओं में इसका प्रयोग बहुत होता है। सामान्य हल्दियों की प्रजाति में कर्क्यूमिन की मात्रा 2 से 5% तक ही होती है। आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग कई दवाइयों के निर्माण में होता है। हल्दी की गुणवत्ता का आधार इसमें पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ कर्क्यूमिन व वाष्पशील तेल की मात्रा है। सूखी हल्दी या चूर्ण में कर्क्यूमिन की मात्रा 2.6 से 6.6% तक होती है। यदि किसान हल्दी की खेती जैविक तकनीक से करें तो अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। जैविक तकनीक से खेती में लागत बहुत कम आती है। ये भी है कि कम खर्च में किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। त्रिनिति सावो का मानना है कि हल्दी की जैविक खेती कर किसान अपनी आय दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एपीटा के निदेशक डॉक्टर तरुण बजाज से अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ।